हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है इस चैनल पे गंगा नदी तंत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से नदी तंत्र से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरे गंगा नदी तंत्र को अच्छे से समझेंगे, नदियों को देखेंगे, नदियों की सहायक नदियों को देखेंगे, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को देखेंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी गंगा नदी तंत्र से आपके सामने मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र से पहले अगर हम देखें कि नदियां क्या है, नदियां होती क्या है, नदी की अगर डेफिनेशंस को देखें तो नदी के बारे में आप जानते हैं। नदी क्या होती है? एक प्राकृतिक धारा होती है जो क्या करती है, फ्लो करती है धरातल पर। क्लियर है? इसको अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग कोर्स, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड नदी। तो ये नदी की डेफिनेशन है, एक प्राकृतिक धारा को ही क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इन नदियों की, तो नदियों की या फिर गंगा नदी की, तो सबसे पहले ये नदी सोर्स किस किस चीज का होती है, सोर्स किस किस चीज का होती है। तो नदियों की अगर बात करें तो आप जानते हैं नदी सोर्स होती है हमारे सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नदी है। नेक्स्ट अगर बात करें सोर्स ऑफ इरिगेशन, पीने के पानी का स्रोत नदियां होती है। दूसरा पॉइंट है आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के लिए प्रयोग में हम नदियों के जल को लाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम किससे उत्पन्न करते हैं, पानी से करते हैं या नदियों से करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नदी की एडवांटेज की, तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगी नदी की, तो फर्टाइल सॉइल्स, उपजाऊ मिट्टी में देखें तो सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितना एरिया कवर किया हुआ है जलोढ़ मिट्टी ने भारत का, तो 43%, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम फायदा देखें नदी से, तो आप जानते हैं नदी का नेक्स्ट फायदा है एडिबल फूड्स की। नदी हमें क्या प्राप्त करती है, एडिबल फूड्स, मछलियां नदी से क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। तो ये तो होगी हमारी नदी से एडवांटेजेस, ठीक है, नदी की एडवांटेज या नदी किस किस चीज का सोर्स होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ नदी की, कि नदियों की प्रॉब्लम भी क्या है, इसको भी देखें, प्रॉब्लम ऑफ रिवर। क्लियर है? फर्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो पहली प्रॉब्लम है इसकी लार्जेस्ट डैम्स। नदी पर अगर बड़े बांध बनाएंगे वो भी एक नदी के लिए क्या है, नदी के लिए हानिकारक है। कैसे सर? तो आप जानते हैं एक 1948 में अमेरिका ने क्या किया, टेनेसी नदी परियोजना स्टार्ट करी। कौन सी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना, नदी परियोजना स्टार्ट की, और उसी की तर्ज पे भारत ने दामोदर नदी घाटी परियोजना को क्या किया, स्टार्ट किया। इसी दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत भारत में बड़े बड़े डैम जो है बनाए जाने लगे। और डैम, अगर बड़े डैम बनाएंगे तो क्या होगा, पानी कम रहेगा। क्लियर है? पानी का लेवल कैसा होगा, कम होगा, और पानी क्या करेगा, एक जगह पे रुकेगा। क्लियर? अगर पानी रुकेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किस चीज की, पॉल्यूशन की। तो ये भी एक नदी की प्रॉब्लम है। दूसरी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो आप जानते हैं वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड। दूसरा पॉइंट है वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड प्लस
सिवरेज को भी आप ऐड करिए, मतलब घरेलू जो अवशिष्ट पदार्थ है, घरेलू अवशिष्ट पदार्थ है वो भी क्या हो रहे हैं, नदी में जा रहे हैं और नदी को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। अकेले अगर यूपी की बात करें तो यूपी 751 टन क्या करता है, सिवरेज गंगा नदी में उडेलता है। अकेला यूपी पर डे 751 टन सिवरेज जो है गंगा नदी में उडेलता है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, गंगा नदी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रॉब्लम्स में, तो देखते हैं इंडस्ट्रीज क्लियर है, इंडस्ट्री आप जानते हैं कनौज वाले क्षेत्र को यहां पे क्या है, पीतल फैक्ट्रीज है और इन पीतल फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो भी किस में मिलता है, गंगा नदी में मिलता है, और ये भी किस चीज की एक प्रॉब्लम है, नदी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो आप जानते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसा हम प्लास्टिक को आज की डेट में देखते हैं तो लेज कुरकुरे एटसेट्रा प्लास्टिक की बोतलें वगैरह जो है नदियों में फेंक देते हैं, और नदी क्या करती है उसको कहां पे डिपॉजिट करती है, ओशन में या फिर सी में, सागर या महासागर में वो क्या करेगी, उसको डिपॉजिट करेगी। जैसा आप करंट इशू के बारे में जानते होंगे तो एक व्हेल मछली के पेट में क्या पाया गया था, प्लास्टिक पाया गया था और प्लास्टिक क्या होता है, बहुत हानिकारक है किसके लिए, नदियों के लिए भी और जो जीव जंतु है पानी में रह रहे उनके लिए भी हानिकारक है, तो ये भी एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका अगर प्लास्टिक का एक एग्जांपल दूं तो प्लास्टिक इकट्ठा करने वाली या प्लास्टिक अपने साथ ले जाने वाली कौन सी नदी है, तो चाइना की आपने एक नदी पढ़ी होगी यांगसी क्यांग, इस नदी का एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक को क्या करती है, डिपॉजिट करती है किसमें, महासागर में। क्लियर है, डिपॉजिट करती है किसमें, महासागर में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें किससे हैं, गंगा नदी से हैं। हमने प्रॉब्लम्स को देखा और यहां एडवांटेज को देखा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये जो सारी प्रॉब्लमें देखी हमने ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये है सर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्लियर है, अब एक और भी तो नदी की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर जाने तो वो कौन सी प्रॉब्लम है सर, तो वो प्रॉब्लम है सर आपकी डिस्प्यूट की। क्लियर है, डिस्प्यूट की, विवाद की प्रॉब्लम। अब अगर बात करें विवाद क्यों होगा सर, तो विवाद यूटिलाइजिंग ऑफ रिवर वाटर को लेके होगा, विवाद किसको लेके होगा, यूटिलाइजिंग ऑफ रिवर वाटर को लेके, मतलब नदी जल के दोहन को लेकर होगा, क्या होगा, विवाद होगा। अब बात करें, जैसा आप जानते हैं अगर कोई राज्य ऊपरी क्षेत्र में है और कोई राज्य निचले भाग में है, तो नीचे वाले स्टेट की हमेशा शिकायत रहेगी कि ऊपर वाला जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, ज्यादा नदी के जल को यूटिलाइज कर रहा है और हमें जो है नदी का जल कम मिल रहा है। और ऐसा हुआ है हमारे यहाँ इंडिया में, जैसा आगे इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो जो सिंधु नदी जल समझौता है, सिंधु ट्रीटी। तो विवाद को अगर देखें तो ये विवाद दो तरह से होते हैं, नदी के संदर्भ में डिस्प्यूट को देखें तो डिस्प्यूट जो है दो तरह से होते हैं, एक तो स्टेट टू स्टेट, दूसरा कंट्री टू कंट्री। क्लियर है, अब स्टेट टू स्टेट जो विवाद है या डिस्प्यूट है इसको कौन सॉल्व करता है सर, तो स्टेट टू स्टेट आपस में अगर नदी को लेके लड़ते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए 1956 में एक पैनल बनाया गया, उस पैनल का नाम क्या था, IRWDA, तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। क्लियर है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 में बनाया गया, तो ये क्या करता है, इस नदी विवादों को सुलझाने की जो है बात करता है। क्लियर है, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कंट्री टू कंट्री
ये प्रॉब्लम आए तो कौन इस विवाद को सुलझाता है? तो आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है क्या करता है, इस विवाद को सुलझाता है। जैसा आपने देखा होगा 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता हुआ, और ये किसकी मध्यस्थता में हुआ? तो ये हुआ था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। पाकिस्तान ने आरोप लगाए थे कि भारत जो है ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है किसका, वाटर का, और हमें जो है कम वाटर मिल रहा है। इसको लेके ये अंतरराष्ट्रीय हाई कोर्ट चले गए थे, क्लियर है। तो ये समझौता फिर हुआ था 1960 में ये समझौता हुआ था। तो इस समझौते को सुलझाया था किसने सर? वर्ल्ड बैंक ने, क्लियर है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम इस नदी की, नदी तंत्र को, और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ एक और है, कुछ एक और पॉइंट है, तो उन पॉइंटों को हम देखेंगे। ये जो नदी है, ये जो नदी है ये कैसी है? सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है ये, क्लियर है। कैसी रिवर है? सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है, क्लियर है। तो ये कैसे हुई सर सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एक विषाणु पाया जाता है जो क्या करता है, इसको साफ करता है। इसको बोलते हैं स्वतः साफ करने वाली नदी, ये अपने आप को स्वतः ही साफ करती है, क्लियर है। तो इस नदी में वो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है और अपने आप को क्या करता है, साफ करता है इस नदी को। तो ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट है, जो गंगा नदी से रिलेटेड है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम गंगा नदी तंत्र को, कि गंगा नदी कहां से निकलती है, कहां से इसका उद्गम होता है और कहां से ये होते हुए बहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं उत्तराखंड में, यूके में गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी, जिस नदी का नाम है भागीरथी। और यहां साथ में ही एक जगह है यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है यमुना, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है यमुना, क्लियर है। और ये जो भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी की अगर बात करें तो भागीरथी नदी और यमुना आपस में कहां पर मिलती है, भागीरथी और, भागीरथी और यमुना, ये दो नदी आपस में कहां पर मिलती है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। ये इंपॉर्टेंट है, हम मैप बनाना भी स्टार्ट करेंगे, पहले आप इन दो चीजों को ध्यान में रखिए, कहां से आपस में ये ज्वाइन करती है, तो प्रयागराज से ये ज्वाइन होती है दोनों नदियां। अब हम गंगोत्री की बात करें, गंगोत्री से भागीरथी निकली और यही पास में एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है सर, एक निकलती है विष्णु गंगा और दूसरी निकलती है धौली गंगा, क्लियर है। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये कहां पर मिलती है सर? ये मिलती है विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में दोनों नदियां मिली, क्लियर है। और यहीं से ये आगे होते हुए किस नाम से बढ़ती है? तो इसका नाम होता है, यहां से विष्णु प्रयाग से आगे ये किस नाम से जाती है? अलकनंदा, अलकनंदा नाम से जाती है। और अलकनंदा के बाद, अलकनंदा में फिर एक नदी मिलती है यहीं से, जिस नदी का नाम होता है सर नंदाकिनी, नंदाकिनी, ये नंदाकिनी ग्लेशियर से निकलती है। और ये मिलती कहां पर है? तो ये मिलती है आपकी, ये मिलती है आपकी कर्ण प्रयाग पर, कर्ण प्रयाग पर, ठीक है, कर्ण प्रयाग पर मिली। और इसके बाद एक और नदी यहां से
अलकनंदा में मिलती है जिस नदी का नाम होता है पिंडर नदी, ये पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से, पिंडर ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, पिंडर नदी, और ये निकल ये आपकी अलकनंदा में मिलती है सर रुद्र प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में ये किसके साथ मिली, ये मिली आपकी पिंडर के साथ, आई बात समझ। नेक्स्ट देखें तो एक नदी ऊपर वाली साइड से इसमें मिलती है जिस नदी का नाम होता है सर मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी आपकी कहां पर मिलती है, मंदाकिनी नदी आपकी मिलती है विष्णु प्रयाग पर मिली आपकी अलकनंदा, कर्ण प्रयाग पे मिली आपकी नंदाकिनी, सॉरी कर्ण प्रयाग नहीं, कर्ण प्रयाग की जगह होगा आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग के बाद ये जो पिंडर नदी मिलेगी, ये पिंडर नदी मिलेगी आपकी कर्ण प्रयाग पर, सॉरी रुद्र प्रयाग नहीं होगा यहां, कौन सा, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, क्लियर है। और ये जो मंदाकिनी नदी आएगी ये मिलेगी आपकी रुद्र प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, और जहां पे ये गंगोत्री, गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी और ये जो अलकनंदा आई ये कहां पे मिलेगी, ये मिलेगी देव प्रयाग पर, देव प्रयाग पर। पांच प्रयाग है, कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद हम आगे बात करेंगे किसकी, गंगा नदी की, क्लियर है। अब यहां से ये जो यमुना नदी आती है, यमुना नदी इस गंगा नदी के साथ कहां पर मिलती है, तो ये मिलती है प्रयागराज में, प्रयाग राज में कौन सी नदी मिली सर, तो गंगा के साथ यमुना कहां पर मिली, प्रयागराज में मिली। नेक्स्ट अगर हम देखें इस गंगा की, ये जो गंगा नदी है इसकी लेंथ कितनी है, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, 25-25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर हम यमुना की लंबाई की बात करें तो 15-25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। और सबसे बड़े अपवाह तंत्र बनाने वाली नदी भी कौन सी, हमारी गंगा नदी ही है। ये लगभग कितने स्टेटों को, कितने स्टेटों में इसका अपवाह तंत्र है, तो आप जानते हैं 15 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र है। अगर बात करें कितने क्षेत्र को इससे फायदा होता है पूरे भारत के, तो 23.2 क्षेत्र को क्या करते हैं ये, फायदा पहुंचाती है या सिंचित करती है, क्लियर है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब देव प्रयाग के आगे की, देव प्रयाग से आगे ये क्या करती है, प्रवेश करती है कहां पर, हरिद्वार में, हरिद्वार में प्रवेश करेगी कौन सी नदी, और यहां जो देव प्रयाग पे ये अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी, यहीं से सर इनका नाम हो जाएगा क्या, गंगा। अब गंगा आगे बहते हुए हरिद्वार पहुंचती है, और माना जाता है, माना जाता क्या, हरिद्वार से ही ये क्या करती है, प्लेन्स में बहना स्टार्ट करती है, मैदानी भाग में बहना स्टार्ट करती है, और उसके बाद ये यूपी में प्रवेश करती है, कहां से, हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए, राम झूला, लक्ष्मण झूला होते हुए, ये कहां पर, गढ़मुक्तेश्वर, यहां गढ़मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर से ये प्रवेश करती है यूपी में, गढ़मुक्तेश्वर से ये प्रवेश करती है यूपी में, और आप जानते हैं गढ़मुक्तेश्वर से ये यूपी में प्रवेश करती है, तो यूपी में एक नदी, यहां मैं लिख देता हूं प्रयागराज, प्रयागराज। अब गढ़मुक्तेश्वर के बाद अब यूके से आने वाली पहली जो ट्रिब्यूटरी है, पहली जो सहायक नदी है गंगा की, उस गंगा नदी की सहायक नदी का नाम है रामगंगा, जो कहां से निकलती है, यूपी से, और कहां पर मिलती है, कन्नौज में, कन्नौज वाले क्षेत्र में किससे मिलती है, इस गंगा से मिलती है, और आती कहां से है, यूके से। नदी कौन सी है सर, नदी का नाम है रामगंगा, रामगंगा नदी का नाम है, और ये कहां पर मिलती है, ये मिलती है आपके कन्नौज में, और रामगंगा नदी यू टर्न होते हुए कहां पर पहुंचती है, कन्नौज में। रामगंगा नदी यू टर्न कहां से लेती है, तो उस जगह का नाम है बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर से ये यू टर्न मारती है और कहां पर प्रवेश करती है, कन्नौज में प्रवेश करती है। तो उसके बाद यहां से आने वाली ये जो नदी है यमुना, ये प्रयागराज में किसके साथ मिलती है,
गंगा के साथ मिलती है। तो मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो इसको दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूं। यहां तक उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो चलिए अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। हम कहां पे थे? ये हमारी यमुना नदी है और ये हमारी गंगा नदी है। और ये यमुना कहां पर मिली थी? प्रयाग राज में ये मिली थी। क्लियर है? निकली कहां से थी? यमुनोत्री से, यमुनोत्री से। और गंगा गंगोत्री से। अब बात करें यमुनोत्री का सोर्स ऑफ वाटर कौन सा ग्लेशियर है, तो आप जानते हैं यमुनोत्री का सोर्स ऑफ वाटर का ग्लेशियर है कौन सा? बंदर पूंछ ग्लेशियर से इस यमुनोत्री को क्या मिलता है? पानी मिलता है। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगोत्री का कौन सा ग्लेशियर सोर्स ऑफ वाटर है, तो आप जानते हैं कौन सा? गौमुख हिमानी से इसको पानी मिलता है। और उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई गंगा नदी प्रयागराज में किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। आती किस नाम से? भागीरथी नाम से ये बहती है। और कहां पे मिलती? देव प्रयाग में मिलती है। किसके साथ? अलकनंदा के साथ। वहीं से नाम स्टार्ट हो जाता है ये अलकनंदा। और यहां पर देव प्रयाग। क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो पहली जो इसमें सहायक नदी मिलने वाली थी कहां से निकली? यूके से रामगंगा निकली। और रामगंगा ने यू टर्न कहां से लिया? बिजनौर से। और ये मिली कहां पर? कन्नौज ने ये इसके साथ मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सॉरी, ये कन्नौज जो है प्रयागराज से पीछे है। इस रामगंगा को हम यहां पे मिलाते हैं, रामगंगा, ठीक है, यूके वाले क्षेत्र से, और कन्नौज, और ये प्रयागराज। क्लियर? इसके बाद आगे अगर बात करें तो आप जानते हैं एक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी कहां पर मिलती है? ये गोमती नदी मिलती है आपकी गाजीपुर में। किसके साथ? गाजीपुर में गंगा के साथ मिलती है। अगर बात करें सर कहां से निकलती है ये, तो फुलाहर लेक से निकलती है। फुलाहर लेक से ये नदी निकलती है। क्लियर है? गोमती तक समझ आ गया। अब बात करते हैं यहां यमुना नदी की। तो यमुना नदी की भी कुछ एक सहायक नदियां हैं जो निम्नलिखित है। यहां फर्स्ट अगर बात करें तो यहां पर पड़ता है एमपी मेकर, जनापाऊ पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है चंबल। और चंबल आप जानते हैं इरोजन के लिए प्रसिद्ध नदी है। चंबल नदी इरोजन के लिए कैसी है? प्रसिद्ध नदी है। क्लियर है? कौन से इरोजन के लिए प्रसिद्ध नदी है? गुली इरोजन के लिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखें, बड़ा चर्चा में है ये वर्ड, गुली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी? चंबल नदी। और दूसरा पॉइंट चंबल नदी से ध्यान में रखें, गढ़ियाल के लिए भी प्रसिद्ध है कौन सी नदी? चंबल नदी। क्लियर है? और जनापाऊ हिल से ये क्या करती है? निकलती है। और कहां पर मिलती है यमुना के साथ? तो इस जगह का नाम है इटावा में ये क्या करती है? यमुना के साथ मिलती है। नेक्स्ट आपकी नदी आएगी विंध्य पर्वत से। और इस नदी का नाम होगा सर क्या? बेतवा। और बेतवा नाम होगा ये कहां पे मिलेगी? ये मिलेगी हमीरपुर में बेतवा नदी होगी। विंध्याचल रेंज से ये निकलेगी और कहां पर मिलेगी? हमीरपुर में। नेक्स्ट एक नदी और है जो कैमूर रेंज से निकलती है। कैमूर रेंज आपने पढ़ी होगी, कैमूर रेंज, भांडर रेंज, राजपीपला, सतपुड़ा एटसेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी उन पे भी चर्चा करेंगे। कैमूर से ये केन नदी निकलती है और कहां पर ये मिलती है? तो आप जानते हैं ये बांदा में मिलती है। बांदा नाम की जगह है बांदा में ये मिलती है। किसमें? यमुना में। और एक यहां चंबल की और एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है क्या? क्षिप्रा नदी। और ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी कार्डीवर्डी से। कार्डीवर्डी
कार्डी वर्डी से कौन सी नदी निकली सर? क्षिप्रा नदी निकली, और कहां पर ये मिली? ये चंबल में मिली, क्लियर है, चंबल नदी में मिली और इसकी ये सहायक नदी है। नेक्स्ट हम अगर बात करें अब गोमती के आगे, तो आप जानते हैं फुलाहर लेक से गोमती नदी निकलती है और कहां पर मिलती है ये? गाजीपुर में इसके साथ गंगा के साथ मिलती है। इसके बाद गंगा क्या करती है? आगे बढ़ती है और इसमें एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम होता है घाघरा नदी। घाघरा नदी और घाघरा नदी दो स्ट्रीम्स से बनती है। दो स्ट्रीम्स कौन कौन सी है, दो धाराएं कौन कौन सी है? एक तो शारदा नदी, इसको काली नदी भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, काली नदी भी बोलते हैं इसको, और दूसरी स्ट्रीम होती है घाघरा। ये दोनों मिलती है कहां पर सर? तो ये दोनों नदियां मिलती है बाराबंकी में दोनों मिली और यहां से किस नाम से आगे बही? घाघरा नदी के नाम से आगे बहती है। और पटना के पीछे पड़ता है एक प्लेस जिस प्लेस का नाम है छपरा में ये क्या करती है? गंगा नदी के साथ मिलती है, ठीक है, गंगा नदी के साथ मिलती है। और आप जानते हैं यही नीचे पड़ता है एक प्लेट्यू जिसको बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ियां, क्लियर, अमरकंटक। तो अमरकंटक से आप जानते हैं अमरकंटक से एक नदी साउथ से उत्तर की ओर बहती है जिस नदी का नाम है जी सोन नदी। और ये सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और कहां पर मिलती है? पटना में। जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को आप निकालिए, हर एक क्लियर करिए अपने हर एक पॉइंट को, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखने के बाद लाभान्वित होंगे। तो चलिए यहां सोन नदी की बात कर रहे हैं हम, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और कहां पर मिलती है? ये पटना में मिलती है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर यहीं से एक नदी की बात करें कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि अमरकंटक से निकलने वाली दो विपरीत दिशाओं में कौन सी नदियां हैं? एक होगी आपकी सोन नदी, दूसरी होगी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है, क्लियर है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जिसको बोलते हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है, और सोन नदी साउथ से उत्तर की तरफ बहने वाली नदी है जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर नेपाल से जिस नदी का नाम है गंडक नदी, और गंडक नदी कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है आपकी सोनपुर में गंडक नदी मिलती है, और ये भी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी सर आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी की बात करें तो आप जानते हैं बिहार का शोक नाम से उस नदी को जाना जाता है। ये कहां से निकलती है? गोसाई धाम से निकलती है और कुरुसेला में ये क्या करती है? मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी है? कोसी नदी। ये गोसाई धाम से ये क्या करती है? निकलती है नदी और कुरुसेला में गंगा से क्या करती है? ये ज्वाइंट होती है, मिलती है कुरुसेला से, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोसी नदी क्या करती है? सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, ठीक है, सॉरो ऑफ बिहार भी इसको बोलते हैं, बिहार का शोक नाम से भी इस नदी को जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट जो ट्रिब्यूटरी है तो वो है आपकी महानंदा कहां से निकली? तो महानंदा निकली आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से और ये आपकी मिलती है सर कहां पर? तो ये मिलती है आपकी गोदार घाट पर, क्लियर है, गोदार घाट पर ये नदी आपकी मिलती है किसके साथ? गंगा के साथ। और ये गोदार घाट ऐसा पॉइंट है यहीं से एक गंगा नदी की अलग शाखा चली जाती है, उस शाखा को बोलते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी की बात करें तो ये कहां की नदी है? कोलकाता में बहने वाली नदी है, और कोलकाता भी इसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? ये हुगली नदी। और यहीं से ये प्रवेश करती है कहां पर? बांग्लादेश में, यहां गोदार घाट से आगे बढ़ते हुए फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इस नदी को, मतलब इस गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं इसको जाना जाता है पद्मा नाम से, और वहीं ये किसके साथ मिलती है?
जमुना के साथ। जमुना किसका नाम होता है, जो नामचावारवा पर्वत से